नमस्कार, मैं हूं डेजी सिंह। स्वागत करती हूं आप सभी का भारत के पहले मानव विकास न्यूज चैनल दिशा टीवी के बेहद ही खास कार्यक्रम डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम खोज करते हैं मानवता के हित की, धर्म की, अध्यात्म की और ऐसे भारत की जिसे विश्व गुरु कहा गया है। हमारा भारत ऐसी धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर समाज को प्रेम का संदेश दिया, भगवान श्री राम ने मर्यादा का ज्ञान दिया, महात्मा बुद्ध ने तृष्णा को दुख का कारण बताया, जहां पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, और ऐसे ही कई प्रबुद्ध साधु संतों ने जन्म लिया और देश समाज को सतमार्ग दिखाया। दर्शकों, वक्त बदला और साथ ही बदला देश का स्वरूप, ऐसा देश जिसने विश्व को धर्म अध्यात्म का मर्म समझाया। आज उसी देश की आत्मा कहीं खो चुकी है। भारत का आध्यात्मिक ज्ञान गुम होता नजर आ रहा है, लेकिन आज भी समाज में ऐसे कई व्यक्ति विशेष मौजूद हैं जो सकारात्मकता के साथ समाज के विकास में सहयोग करते हैं। जी हाँ, भारत समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक हैं सरदार सुरेंद्र पाल सिंह ओबेरॉय जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। दुबई में प्रतिष्ठित बिजनेसमैन के तौर पर स्थापित होने वाले एसपी सिंह ओबेरॉय जी को लोग केवल एक बिजनेसमैन के तौर पर ही नहीं पहचानते, बल्कि लोग इन्हें मसीहा भी मानते हैं, क्योंकि इन्होंने कई घरों के चिरागों और कई माताओं को उनके लालों से मिलवाया है। एसपी सिंह ओबेरॉय जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हुए एक समाज सेवी के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई है। सरबत के भले की कामना मन में लिए ओबेरॉय जी की ओर से करवाए जाने वाले समाज की भलाई के कामों को गिनवाने बैठ जाएं तो वक्त भी कम पड़ जाएगा। ऐसे व्यक्तित्व को हम सलाम करते हैं। तो आइए मिलते हैं एसपी सिंह ओबेरॉय जी से, जो इंसान के रूप में भगवान से कम नहीं है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपके बारे में किसी को बताना मतलब ये कहना होगा कि हम भगवान के गुण गिना रहे हैं, लेकिन आपके बारे में जानने के लिए जितना उत्सुक हम हैं कि आपके अंदर कौन सा इंसान छुपा हुआ है, क्योंकि आज समाज जहां पैसों के पीछे भाग रहा है, वहीं वो इंसानियत कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। लेकिन आप बिजनेसमैन होने के साथ साथ आप हर व्यक्ति के विकास की बात करते हैं, समाज के विकास की बात करते हैं। यदि मैं पूछना चाहूं कि आपके मन में ये भाव किस प्रकार से आया कि नहीं, हमें समाज को एक ऐसे दिशा में लेके जाना चाहिए कि वो भटक चुका है, उसे बताना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए ताकि वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सके। यहाँ डेजी जी, मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि हर आदमी, कोई भी इंसान जो है, उसकी ये तमन्ना होती है कि बड़ा होकर पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो अच्छे कहीं जॉब में लग जाए, जहाँ बिजनेस में आ जाए और पैसा कमाए, और पैसा कमाते ही जाते हैं। तो मेरा भी ऐसे था, मैंने 1974 में जो अपना कैरियर स्टार्ट किया वो एक डीजल मैकेनिक की से। सो मेरे को ज़्यादा मेरी जो सैलरी थी उस टाइम जो मैंने स्टार्टिंग की तो 390 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद जैसे बढ़ते गए, और एक दिन ऐसा हर इंसान की लाइफ में आता है, जो मैं समझता हूँ कि उस दिन आदमी ये सोचता है कि नहीं, अभी बहुत कमा लिया मैंने, उस भगवान की कृपा से बहुत कुछ मिल गया मेरे को, तो अभी एक टाइम है ऐसा आ जाता है लाइफ में, जैसे मेरे आया कि नहीं, अभी ये जितना कमाया, जितना उस भगवान की कृपा हुई है, इतना कुछ दे दिया, ये अभी समाज को वापस करें। तो उसको फिर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, जैसे हमने सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट खोल लिया, तो उसमें हमारे कई 23-24 हमारे काम चलते हैं कि कैसे कैसे हम समाज को वापस कर सकते हैं। सो एकदम ऐसे मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अभी समाज को वापस करना चाहिए, और वो हमने इस संस्था के थ्रू स्टार्ट किया। जी, तो इस संस्था में बहुत तरीके के कार्य किए जाते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन कुछ दिनों पहले खबर छपी थी और हर भारतवासी आपको धन्यवाद दे रहा था।
यूएई की बात करें, वहां पर 58 भारतीयों को आपने मुक्ति दिलवाई, ब्लड मनी देके आप लोगों ने आपने उन्हें छुड़वाया वहां के गवर्नमेंट से। जानना चाहूंगी कि ऐसा भाव कि आप उसे जानते नहीं व्यक्तिगत तौर से, लेकिन आपने जहां जन्म लिया, जिस धरती पे जन्म लिया, उन वहां के युवाओं को वहां पर बंद किया गया था, कैदी बनाया गया था, आपने उन्हें छुड़वाया, ऐसी भावना किस तरीके से आपके अंदर उत्पन्न हुई थी? ये 2010 की बात है कि मैं सुबह ऑफिस में था अपने, तो जैसे ही न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि 17 भारतीयों को एक मिस्ट्री खान नामक पाकिस्तानी नागरिक के कत्ल के केस में फांसी की सजा सुना दी गई है। जैसे न्यूज़ पढ़ी तो पेपर छोड़ दिया, लेकिन फिर मन में आया कि नहीं, दोबारा मैंने पेपर पढ़ा तो मन में ख्याल आया कि पॉसिबल नहीं है ये कि 17 लोगों को फांसी दी जा रही है और एक आदमी के कत्ल में, तो क्यों ना इस केस की पूरी पैरवाई की जाए। फिर मैं स्पेशल परमिशन लेकर 3 दिन के बाद मैं जेल में गया, वहाँ जाके उन 17 लोगों को मिला, तो उनकी हालत तो ऐसी थी कि वो रो रहे थे, जाते ही मेरे पाँव में पड़ गए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो मैंने उसको बताया कि मेरे को पहले पूरी स्टोरी सुनाओ, तो उन्होंने फिर पूरी स्टोरी मेरे को सुनाई। मैं 5-6 घंटे वहाँ जेल में उनके साथ रहा, तो मैं 50% मेरा मन उस टाइम बन गया कि इनकी हेल्प करनी है हमने। तो फिर मैंने सारे एड्रेसेस लेके वापस आया पंजाब आकर, मैं उसमें 16 लड़के पंजाब के थे, एक हरियाणा कैथर का था, तो मैं सबके घर में गया, 17 के लोगों में। मेरे मन में था कि अगर इतनों ने, ये लोग गलत काम कर रहे थे, इलीगल काम कर रहे थे, लड़ाई झगड़े हुए, कत्ल भी हो गए, जख्मी हो गए, तो इन्होंने पैसा बहुत कमाया होगा। लेकिन जैसे मैंने घर जाके देखा तो एक भी घर मेरे को पक्का नहीं मिला जो अच्छा घर हो, और फैमिली को मिला तो उन्होंने बताया कि किसी ने कोई अपना खेत गिरवी रखा हुआ है, किसी ने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो किसी ने मकान बेचकर लड़कों को भेजा था कि घर की फैमिली में जैसे उनकी लड़कियां हैं, सबको मैरिजेस करनी है, घर का काम काम चलाना है, तो उसको इसलिए भेजा गया था। तो फिर 100% मेरा मन बना, फिर मैंने वहां जाकर केस लड़ा, और 3.5 साल लोग केस लड़ने के बाद ये 17 लोगों की जो फांसी माफ़ कराई। वहां कानून में क्या, शरीयत लॉ में एक बहुत अच्छा है कि अगर हम दोनों पार्टियों को, मरने वाला और मारने वाला की, दोनों विक्टिम और एक्सक्यूज फैमिलीज को, दोनों को बिठाकर हम कंप्रोमाइज करा देते हैं, और वो गवर्नमेंट की तरफ से वहां 2 लाख दिरहम है जो कि दिया मनी बनी हुई है, वो देने के बाद फांसी माफ हो जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो फैमिली मानती है कि नहीं मानती, तो जब तक वो जितना वो मांगेगी वो हम उसके नेगोशिएट करके उसको फाइनल करते हैं। तो ऐसे 23 केस चल रहे थे वहाँ, जिसमें से कोई 92 लोग हैं जिनको फांसी की सजा और 40-40 साल की सजा हुई हुई है। तो उसमें से आज तक मैंने 58 लोग ऐसे हैं जिनकी फांसी माफ करा दी है सिर्फ पैसे दे के। और उन लड़कों को सबको, मेरे को लगता है कि जैसे पंजाब के 38 लोग पंजाब के थे, एक हरियाणा का था, 2 महाराष्ट्र के हैं, 3 हैदराबाद के हैं, और 4 लड़के बांग्लादेश के थे, एक फिलिपिनो लेडी थी, और 8 लड़के पाकिस्तान के हैं। सो इन सबको फांसी की सजा, अलग अलग जगह से, अलग हर जगह के, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, इवन मैं पहचानता नहीं, कोई है ही नहीं हमारी बातचीत। सेकंडली, जैसे हमारा सरबत का भला ट्रस्ट ही ऐसा है, सरबत का हमारा भला मीन्स सभी का भला, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई धर्म नहीं है, जैसे मुस्लिम भी हैं इसमें, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सभी, तो मैंने तो सबको एक नज़र में देखा। इसीलिए वहाँ की जो शारजा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जेल डिपार्टमेंट है, उन्होंने 3 बार मेरे को सम्मान किया, सिर्फ इसी बात के कि मिस्टर सिंह जो है ये सिर्फ पगड़ी वाले की हेल्प नहीं कर रहा, कि जिसने टर्बन बांधी उसी की हेल्प करनी है, तो मैंने मुस्लिम की भी हेल्प की है। वहाँ के लोकल आदमी थे जिन्होंने चेक रिटर्न हो गए थे, वो भी जेल के अंदर बैठे थे, उनको भी मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट दे के उनको भी बाहर निकाला। सो मेरे मन में कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई भेदभाव रखा जाए, तो ये सारे काम वहाँ किए गए। जी बिल्कुल। उब्राय जी, एक प्रश्न फिर भी मन में उत्पन्न हो रहा है कि आपने उन्हें वहां से छुड़वा तो दिया, लेकिन बात करें कि उनके पुनरुत्थान के लिए कि वो क्या करेंगे आगे, क्योंकि एक बार अगर कोई इंसान इस प्रॉब्लम में आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, तो आपने उन युवाओं के लिए क्या कुछ और किए हैं? जैसे वो लड़के सारे वापस आए, आज भी मेरे टच में है वो लड़के जी, तो उन्होंने 50% के ऊपर, तो वो जो लड़के उनके जितनी जमीन थी वो खेती बाड़ी शुरू कर दी उन्होंने। कुछ लोगों को मैंने जॉब दिला दी, कुछ 1-2 लड़के थे जो मैंने खुद रखने थे अपने पास सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने वो रख लिए घर में सिक्योरिटी के लिए रख लिए। बाकी भी मेरी कोशिश है कि जैसे टीवी चैनल है 1-2, वहाँ उनको लड़के चाहिए होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वहाँ कुछ मैंने भर्ती करा दी है। तो तकरीबन सारे लड़के अभी सेट हैं, कोई भी लड़का वापस जाने का नाम नहीं लेता। और मेरे को ये भी बड़ी खुशी होती है कि आज इन लड़कों को मैं लेके आया था फरवरी 12, 2012 को, तो अभी तक उनके 1-2 के तो आगे बच्चे हो गए हैं, बाकी 11-12 लड़कों की शादी हो गई है,
और वो सब लोग मेरे को शादी में भी बुलाते हैं, कोई फंक्शन होता है तो मेरे को बुलाते हैं, लेकिन अभी वो ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। यानी ये कह सकते हैं एक परिवार का सदस्य बन चुके हैं वो, बिल्कुल और कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसी राह मिल चुकी है जिस पे वो चल रहे हैं, और उस मुसीबत में जब किसी ने उनका हाथ नहीं थामा था तब आपने उनका हाथ थामा था। बिल्कुल चलो, सचमुच देखो ये कहने में जरूर कहते हैं कि सभी मेरे को बोल दे कि एसपी सिंह ने फांसी माफ करा दी। एसपी सिंह मैं कौन होता हूँ, ये सब ऊपर वाले भगवान की कृपा है, उससे सब उसी ने किया है। मैं तो एक बहाना बनाऊं कि जैसे बोलते हैं ना कि पीछे हाथ दे करके चलो भाई करो आगे काम करो, जी तो जी उसने यह काम कराया, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल था, इसको पॉसिबल भगवान ने किया। परमात्मा की भी जो राह दिखाते कई बार लोग समझ नहीं पाते, लेकिन आपने उस राह को समझा और लोगों की सहायता की, शायद इसीलिए लाखों माएं अब आपको दुआएं देती हैं। यहाँ ओबराय जी एक प्रश्न और उठता है, यहाँ पर सरबत का भला जो हम ट्रस्ट की बात लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, उस ट्रस्ट के बारे में भी मैंने जानकारी जब एकत्रित की, बहुत सारे कार्य ऐसे चलाए जा रहे हैं जिनको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आपने 8,000 से ज्यादा अलग अलग धर्मों के समुदाय को लोगों का विवाह करवाया है, सामूहिक विवाह करवाया है, और जहां आज धर्म अधर्म की बातें चलती है, जाति के नाम पे लोग आपस में मारकाट करते हैं, उस स्थिति में भी आपने इतना उत्तम कार्य किया है। साथ ही साथ आपने उन बच्चों को शिक्षा दी है जो पैसों के कारण, आर्थिक परेशानी के कारण पढ़ नहीं पा रहे थे, उन बुजुर्गों की सहायता की है जिनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। तो चाहूंगी आप इसके बारे में कुछ और बताएं। जैसे मैरिजेस की बात की है कि कुछ ऐसी जरूरतमंद फैमिलीज, जी मैं गरीब नहीं बोलता उनको, जी जी जरूरतमंद है कि फाइनेंशियली इतने वीक है कि वो लड़की की शादी कर ही नहीं सकते, तो उनके लिए सोचना फजूल है। तो हमारे ट्रस्ट ने फिर आज से 8 साल पहले ये काम शुरू किया था, और अभी तक 20,000 के ऊपर जो है हम ये मैरिजेज करा चुके हैं। इस पे हिंदू मैरिजेज हैं, सिखों की मैरिजेज हैं, प्लस हमने 400 कुछ के करीब, 450 करीब जो हमने मुसलमानों के निकाह पढ़ाए हैं। तो जो फैसिलिटी, जो दाज दहेज जो होता है, जो हम एक जिंदगी को शुरुआत करने के लिए जो सामान चाहिए होता है, वो जैसे हम सिख सरदार को देते हैं, हिंदू को देते हैं, वही हम मुसलमान को भी देते हैं, उसमें भी कोई बिक्र नहीं है। और वैसे एक पंडाल में ही शादी करते हैं सबकी, जी तो ये तो शादियों का हो गया, वो अभी तक भी चल रहा है सारा। इसके बाद जैसे एजुकेशन की बात की है आपने, पंजाब में एजुकेशन सबको पता ही है कि बहुत कम लोग हैं जो हायर स्टडी में जा रहे हैं। तो कुछ स्कूलों में, कुछ कॉलेजों में जाकर हमने, कुछ गाँव में जाकर ऐसे लड़कियां, ज़्यादा लड़कियां हैं, 85% लड़कियां ही हैं, 15% लड़के हैं। तो हमने अभी तक कुछ 1300 बच्चा जो है हमने अडॉप्ट किया हुआ है हायर स्टडी का। वो प्लस टू के बाद कोई मेडिकल कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग में या नॉन मेडिकल में, या कोई BSc MSc है, टीचिंग कोर्सेज कर रहे हैं, नर्सिंग कोर्सेज कर रहे हैं। तो ये सब हम लेकर, तो इसमें हमारी होती है कि 25% से लेकर 100% तक हम उनकी हेल्प करते हैं। फैमिली की देख रहे हैं कि कैसे कितना वो खर्च करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जिस बच्चे को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी फीसेस दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बच्चा वो अपने तरफ से डाले, क्योंकि 90% मैं दे दूंगा, जो 10% बच्चा देगा उसको 10% की पीड़ा ज़्यादा होगी, 90 की कम होगी। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं कि जैसे एक लड़की पीछे IAS कर रही थी, करनी थी उसने, पटियाला की थी, मोची की लड़की है, तो वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसको हमने 100% दे के उसका सेकंड ईयर जा रहा है, वो IAS की तैयारी कर रही है। और मेरे को लगता है वो, क्योंकि ऐसे जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ करते हैं। इसके लिए भी इजी नहीं है, मैं एक थोड़ी सी बताना चाहूँगा। यहाँ बिल्कुल मैं जहाँ पढ़ा हूँ स्कूल में, तरवाड़ा टाउनशिप डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में, तो मैं वहाँ 50 साल के बाद गया स्कूल में, गया तो मैंने कॉलेज में, स्कूल में प्रिंसिपल को बुलाया, अच्छे बच्चे से उनको बुलाया। तो प्रिंसिपल को मैंने ऐसे पूछा सारे स्टाफ को कि आपके कितने बच्चे मेरिट में आ रहे हैं, तो वो हंसने लगे, कहते जी अभी तक तो मेरिट मुरिट कोई नहीं आया, तो हमारे बच्चे तो 60% क्रॉस कोई नहीं करता, लेकिन पास सारे हो जाते हैं। तो फिर मैंने उन बच्चों को पूछा, मैं बच्चों क्यों नहीं आ रहे, कहते हैं अंकल क्या करना, हमने हमारे फादर चपरासी हैं, मेरा वो घास खोदते हैं, तो कहते हैं हम 10-11 कर लेंगे, उसके बाद 2 साल बाद शादी हो जाएगी हमारी। तो हमारे नंबर जो है वो 60% आए या 95% आए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर उनको मैंने मोटिवेट किया, मैं कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा ना आओ मेरिट में आओ, आपकी बाजू मैं पकड़ता हूँ, और नेक्स्ट ईयर जितने बच्चे मेरिट में आएंगे वो सबको मैं कहा मैं सारा खर्चा मैं दूंगा। वो हंसने लगे कि ये ऐसा होता है कभी। उस साल की आप न्यूज़पेपर देखें लास्ट ईयर का, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में वो स्कूल फर्स्ट आया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के 4 बच्चे मेरिट में आए हैं। वो जो लड़की मेडिकल कर रही थी, 93.5% मार्क्स लिए उसने, ये तो हो गया। लेकिन दूसरा फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने एक और काम शुरू किया, अभी हमारी कमेटीज़ बन गई हैं। आज हमारे सरबत के वाला जो ऑफिस है, पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिस हैं, वहाँ कमेटियाँ बनाई हुई हैं, क्योंकि
अगर हम प्लस टू में जाके किसी लड़के को बोले, लड़की को बोले कि हाँ बेटा तूने मेडिकल रखा है, चल तू पढ़ तेरे को डॉक्टर बन, तो हम खर्चा करेंगे, वो नहीं पढ़ सकेगी क्योंकि उसका बेस नहीं है। ये तो बेस तो 8वीं 9वीं से बनाना पड़ेगा। बिल्कुल. तो अभी हमने जो हमारी टीमें जा रही हैं, हमने पीरियड लिए हैं क्लासेस में, कॉलेज में, स्कूलों में, सो 8वीं 9वीं से हम बच्चे को जाके श्योर करते हैं कि बेटा अभी से तुम पढ़ना शुरू कर। एक तो पहले सोच कि तूने बनना क्या है, तूने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या कहाँ जाना है तूने। तो एक टीचर रख कर चलेगा बच्चा वो, और उसका सपोर्ट हमारी होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट हम अभी से शुरू कर दिया, स्टेफन लगा दिया, किसी को 500, किसी को 700 रुपये लगा दिया, तो उस बच्चे का ध्यान है। और मैं सोचता हूँ कि ये 4-5 साल का प्रोजेक्ट है हमारा, 6-7 साल बाद देखेंगे आप तो टोटल उल्ट हो जाएगा। जैसे आज पंजाब में क्या है कि 14% लोग जो बच्चे हैं जो गांव के, वो हायर स्टडी में जा रहे हैं, और 86% बच्चे जो हैं वो घरों में बैठे हैं। और जो हमने ये स्टार्ट किया है, इससे 100% मैं कह सकता हूँ कि 6-7-8 साल के बाद इसको हम उल्ट कर देंगे कि 14% बच्चे जो हमारे वो रहेंगे अनपढ़ रहेंगे, जो रस पड़े हुए हैं, लेकिन बाकी जो 86% है वो हमारे यूनिवर्सिटी और हायर स्टडी में जाएंगे। साथ ही साथ जो ये 14% मैं बात कर रहा हूँ, ये वो बच्चे हैं मेरे जैसे जो 10 पढ़ते हैं, 10 के ऊपर नहीं पढ़ते। मैं भी 10 ही पढ़ा हूँ, आपकी भी एजुकेशन मेरी सिमिलर. 10, मैं मैट्रिक किया, मैंने मैट्रिक करने के बाद मैं मैकेनिकल का कोर्स किया मैंने। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए वो मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैं उसी लाइन से गुजरा हूँ। तो अभी हम हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं कि जो बच्चा 10वीं पढ़ने के बाद आगे नहीं पढ़ सकता वो, उसको इस लाइन में लगाया जाए जिसमें कारपेंटर है, मैसन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, स्टील फिक्सर हो गए, सो ऐसी 7-8 हमारी ऐसी स्किल्ड है, तो उसमें 6-6 महीने की ट्रेनिंग दी जाए। उन्हें रोजगार का ताकि साधन बिल्कुल, मिल सके. जब मेरा ये सोचना है कि जो नशा इतना पंजाब में बढ़ता जा रहा है, और वो कारण यही है कि उनके पास वो शर्त ही बिल्कुल. करेगा। तो अगर हम एजुकेशन के मामले में उनको एजुकेशन दे दें, और सेकंड जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए ऐसे इंस्टीट्यूट खोल दिया जाए, तो वहाँ उनको 6-6 महीने कोर्सेज कराए। मेरा मानना है कि जिस बच्चे के हाथ में एक हुनर आ गया ना कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कभी नशा नहीं करेगा, वो जा तो अपना प्राइवेट काम करेगा, बाहर भी चला जाएगा तो अच्छी रोजगार मिलेगी, यहाँ भी कोई काम करेगा तो काम की तो कमी है नहीं है। तो एक तो ये कर दिया। सेकंड, जो लड़कियाँ हमारी 10 पास हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए अभी हमारे अभी तक मैंने हमारे ट्रस्ट ने 80 के करीब पंजाब में 80 हमारे सिलाई सेंटर खोल रखे हैं, गांव गांव में सिलाई सेंटर है जहां 10 मशीनें दे रखी हैं, वहां टीचर प्रोवाइड हमने किया हुआ है, और एक सेंटर में कम से कम 100 लड़की है जो कोर्सेज करती है। सो ये कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं, ऐसे कंप्यूटर सेंटर दिए हुए हैं, 60 के करीब कंप्यूटर सेंटर हमने पंजाब में खोल दिए हैं, और इस 2015 के एंड तक हमारा जो टीचर है 200 कंप्यूटर सेंटर है, और 250 जो है ये खोल रहे हैं। सो इस तरीके से जो एजुकेशन में जो हमारा पार्ट है जी सरबत के जी भले का, इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट साइड से कर रहे हैं। जी जी सर, यहाँ पर आपने नशे की बात कही है तो एक प्रश्न और उठता है कि पंजाब की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो नशे की लत में आ चुके हैं वहाँ पर मानो, लेकिन सिर्फ राजनीतिक पार्टियां जो है इस पर कुछ नहीं कर रही हैं, बस इस पर सियासत ही कर रही हैं, और साथ ही साथ लोग परेशान होके यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? 2 साल पहले जो था मेरा भी यही मानना था कि जी इतने नशा कर रहे हैं तो नशा छुड़ाओ केंद्र खोले जाएं। तो हमने भी एक सेंटर खोला पटियाला में सरबत के भले के नाम के जी ऊपर, जी 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 तो वहाँ अभी आज भी हमारे की डेट में 200 120 बच्चे हैं हमारे पास। लेकिन उसमें जो प्रैक्टिकली देखने में आया कि जो बच्चा हमारे पास आ गया, 3 महीने उसको हम मेडिसिन देते हैं, सब कुछ करके ट्रीटमेंट करके उसका नशा छूट जाता है, उसको हम वापस भेज देते हैं, लेकिन 3-4 महीने के बाद वो लड़का फिर दोबारा उसी सेंटर में वापस आ जाता है, क्योंकि हम उस लड़के को निकाल कर उसी माहौल में छोड़ देते हैं जिस माहौल से आया होता है वो, जी तो फिर वहीं जाएगा, फिर वापस आएगा, तो ये कोई हल नहीं है। इसीलिए हमने जो एजुकेशन हम पकड़ी है कि हमने ये हमारे उपराले किए जा रहे हैं कि हायर स्टडी होगी या ट्रेनिंग सेंटर खोले जाए, कंप्यूटर सेंटर, सिलाई सेंटर खोल के इन बच्चों को सबको है जो इस तरफ लाया जाए, नशा अपने आप खुद ही हट जाएगा। जी मतलब हमें आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो लोगों के हित के लिए, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन आप उस चीजों को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहे जी हैं, बिल्कुल। वो लगातार आपके ट्रस्ट का ये काम है. जानना चाहूंगी यहाँ पर कि आपकी जो संस्था है वो सिर्फ पंजाब के कुछ पार्ट्स में है, पूरे पंजाब में, या इसके अतिरिक्त भी अन्य क्षेत्रों में भी है? देखो, जो स्टार्टिंग की गई थी सरबत के भले की वो पटियाला से की गई थी। सो पटियाला जब हमने एक आंखों का कैंप लगाया, तो उस कैंप में लोग अमृतसर से, बठिंडा से, पठानकोट से, उनको मालूम पड़ा कि वहाँ फ्री कैंप लगा, आंखों के ऑपरेशन होंगे, लेंस पड़ेंगे, तो वो वहाँ से आए। तो ऐसे जो हम और फैसिलिटीज दे रहे हैं, जैसे पेंशन स्कीम है हमारी, या एजुकेशन होगी, या लोगों के घर बना के देने, सो ऐसे काफ़ी हैं। तो उससे निकल कर हमने फिर फाइनल डिसीजन लिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑफिस खोलना चाहिए।
तो आज यह है कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑफिस है, उसके बाद हरियाणा में हमारे ऑफिस है, हिमाचल में है, जे एंड के में, श्रीनगर में है, बारामूला में है। तो ऐसे अभी हमारी टोटल 40 ब्रांचेज हैं जो सरदर्द के बारे की, और आपस में सारी इंटरलिंक्ड है। तो ये आप कोऑर्डिनेशन की बात करूं मैं तो, क्योंकि बहुत दिक्कत होती होगी कोऑर्डिनेशन करने में एक संस्था से दूसरी संस्था में जो आपके जगह डिफरेंट जगह पे हैं। नहीं, इसमें कोई मुश्किल नहीं आती इसमें, क्योंकि हमारे सब टीमें बना दी हमने जी। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में 15 लोग हैं हमारे एक टीम के बन गए, उसके आगे फिर कमेटीज बन जाती हैं, लेकिन प्रेजिडेंट एक ही है। तो पहले क्या था कि मैं खुद परेशान हो जाता था कि इतने 40 प्रेसिडेंट है 40 डिस्ट्रिक्ट के, तो चार सभी मेरे को फोन करते थे कुछ भी करने के लिए, इसलिए मैंने जोन वाइज बना दिया। जैसे पंजाब में 3 जोन है, माझा, मालवा एंड दुआबा, तो उनके प्रेसिडेंट बना दिए। तो अभी पंजाब में सिर्फ 3 ही लोग मेरे को कॉल करते हैं, तो बहुत ईजी है। सेकेंडली हमारा व्हाट्सअप आजकल बहुत ईजी है, तो उस पे जो भी एक्टिविटीज होती है वो व्हाट्सएप पे आ जाती है, तो सबको मालूम पड़ जाता है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, समाज का हर वर्ग जो भी आपके बारे में जानता है वो आपको एक उद्योगपति के रूप में ही देखता है और जानता है कि आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं और आप दुबई में जाके स्थित है, वहाँ पर नामी गिरामी एक व्यक्ति के तौर पर है। यहाँ पर भी जब इंडिया में आप आते हैं लोग आपको इसी नजरिए से देखते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे आध्यात्मिकता को लेकर, आपके अंदर जो संस्कार उत्पन्न हुए, क्योंकि ये जो आप कार्य कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि आपके घर में आपके फैमिली मेंबर ने, आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसे संस्कार दिए हैं जिसके तहत आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जानूंगी किस तरीके से ये चीजें शुरुआत हुई थी। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप जी, ये फैमिली से ही चलता है। तो मेरे को भी सारा जो ये मिला है सारा ये फादर साहब की तरफ से मिला है। तो मेरे फादर साहब भी ऐसे थे, बचपन से उन्होंने ऐसा डाला था कि नहीं, जिसको जरूरतमंद है उसको दे दो। वो अपनी गाड़ी में, मेरे को आज भी याद है कि बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, अपनी गाड़ी में 5-6 कंबल रखा करते थे जी। आज से 20-25 साल पुरानी बात करता हूँ, फादर साहब तो जहाँ वो जरूरत समझते थे तो वो उसको कंबल दे देते थे। तो ये ब्लड में होता है इसे ना जी, तो ऐसे आया। मेरे को याद है 2004 में सबसे पहले जो मैंने ये बच्चे अडॉप्ट किए थे, तलवंडी साहब हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वहाँ मैंने 19 बच्चे अडॉप्ट किए थे इंजीनियरिंग के, 6 साल थे, उसमें से 14 लड़कियां थी और 5 लड़के थे। 2004 में किया, 6 साल का था, प्लस टू करके फिर 4 साल की इंजीनियरिंग थी और सारी उस टाइम मैंने ड्रॉप किए थे। तो वहां से स्टार्ट करते करते फिर ये जो काम है ना, ये जब 17 लोगों को बचाया गया ना, वहां से भी एकदम स्टार्ट हुआ फिर जी। तो आज तो फिर मन में मेरे ये हमेशा यही होता है कि कुछ ना कुछ डेली करना चाहिए। तो जब मैं रात को सोने लगता हूँ तो मेरे एक बार मेरा जरूर दिमाग घूमता है कि आज मैंने किया क्या है। जिस दिन कुछ नहीं किया होगा, वैसे तो वो दिन आया नहीं आज तक, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ हमारी एक्टिविटीज होती है जी। तो बड़ी खुशी होती है इस बात। तो ये सारी चीजें जब आप दुबई में सेटल हो गए थे उसके बाद किया था, या आप जब इंडिया में थे दुबई जाने से पहले, उस वक्त आपके मन में जो समाज के लिए भावना थी तब जागरूक हुई थी? नहीं देखो, जो भी वर्कर हमारे लिए काम करते हैं, मेरा स्टार्टिंग से ना मेरा दिलों मेरा बहुत रहा है उनके साथ। मेरे फादर साहब ने मेरे को 3 बातें बताई थी, क्योंकि वर्कर से काम लेना है, कहते हैं वर्कर जान देंगे आपके लिए, लेकिन वर्कर भी कुछ मांगते हैं। सो उनकी 3 बातों को मेरे फादर बोलते थे कि ये ख्याल रखो। सबसे पहले ये था कि उनको सैलरी ऑन टाइम दो, 10 तारीख है, इट मीन्स 10 तारीख सो उनको सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जो लड़का हमारे पास काम कर रहा है 5-7-8 हज़ार के लिए, उसकी पीछे फैमिली है, उन्हें पूरा शेड्यूल बना हुआ उनका। क्योंकि मेरे को याद है आज से 40-50 साल पहले जब हम भी जॉब करते थे तो राशन उधार ही लेते थे, तो पिछले महीने का राशन आया था, जैसे सैलरी मिलती थी वो दुकान को पैसे देते, फिर आगे चलता था काम। सो ये चला होता ना, तो एक तो सैलरी उसको टाइम पे मिलनी चाहिए। दूसरा, जैसे मेरे होटल में था, स्टाफ मेरे पास है तो खाना होटल से आता है, तो उसको खाना अच्छा दे दो। और तीसरा, उसको एकोमोडेशन अच्छी मिलनी चाहिए जो हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जिसने इतने घंटे काम करना है और घर में जाकर अगर उसको अच्छा बेड नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट डे वो बेसिक नीड, रोटी कपड़ा और इसका, हाँ बिल्कुल, दोनों तीनों चीजें जरूरी हैं। और इसके रिजल्ट मेरे सामने आए, आज तक दुबई में मैं कह सकता हूँ कि मेरे होटल में 600 आदमी काम करते थे मेरे पास कंपनी में, आज तक मेरे पास एक भी लेबर का केस नहीं हुआ। और उनको बोलता था मैं कि आपकी ड्यूटी 10 घंटे है, अभी आप जाते क्यों नहीं हो, तो बोलते थे सर घर जाके क्या करेंगे। वो 16-16 घंटे काम करते थे विदाउट एनी ओवरटाइम। तो ये बातें जो है ना बुजुर्गों की कही हुई, तो ये रिजल्ट लाती है सामने। जी जी सर, अगर मैं जानना चाहूँ, क्योंकि हम सभी चाहते हैं आपके बारे में जानना, तो दुबई आप कब शिफ्ट हुए इंडिया से, और फैमिली क्या आपके साथ ही वहीं पर रहती है, पेरेंट्स कहाँ पे हैं? मैं
जैसे पहले बताया कि मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था जी 1974 में, 1974 में, तो एज ए डीजल मैकेनिक 390 रुपये में। हुँ. ये था पंडोर डैम डिस्ट्रिक्ट मंडी जी. हिमाचल प्रदेश में। वहाँ से फिर मैं गया जे एंड के में, एक सलाल डैम है तो रियासी, तो वहाँ मैंने काम किया। वहाँ से फिर मैं दुबई शिफ्ट हो गया। 1977 में मैं दुबई जाकर एज ए मैकेनिक ही काम किया वहाँ भी, तो 4 साल वहाँ काम किया। उसके बाद वापस आके मैंने फिर पंजाब में अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट की। करते करते फिर 93 में दोबारा फिर मैं वापस गया दुबई में। वहाँ फिर अपनी जो पहले एक कंपनी मैंने इस्टेब्लिश की, फिर 3 साल बाद दूसरी कंपनी, फिर 3 साल बाद तीसरी कंपनी, फिर होटल आ गया, फिर ब्रॉय प्रॉपर्टीज़ आ गया। सो ऐसे हर 3-3 साल बाद मैं स्टेप उठाता चला गया। तो ऐसे गया, तो फैमिली मेरे साथ ही रहती थी वहाँ। सर, आपके बारे में अगर हम सुनते हैं तो हर किसी के मन से एक ही शब्द निकलती है, आप सच में कितने अच्छे व्यक्तित्व हैं। आज के समाज की बात करें तो कोई किसी को जल्दी पसंद नहीं करता है, और वो भी रीजन उसके पीछे व्यक्ति के अंदरूनी आवाज जब आती है, क्योंकि कहा जाता है व्यक्ति के हाथ में ही होता है सही करना और गलत करना। तो बात करें सही और गलत की, तो किस तरीके से पता लगता है कि हम जब कुछ चीज सोचते हैं कि हमें ये कार्य करना है, हमें वो कार्य करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें गलत पे सत्य है वो भारी नहीं पड़ पाता, क्योंकि गलत चीज पहले दिमाग में आती है, क्योंकि बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है। सर, मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके से हम अपने विवेक को कंट्रोल करें और ये निर्णय लेने में हम सक्षम रहें कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। देखो, ये इतना इजी नहीं है जी। किसी को जज करना, सामने बैठा है कोई हमारे से, वो उसके माथे में तो लिखा नहीं है जी। जैसे मैंने ये स्टार्ट की थी, मैंने फर्स्ट में अकेला था, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको अच्छे आदमी आपसे जुड़ते ही जाएंगे। मैंने अकेले स्टार्ट किया था, जुड़ते जुड़ते अभी आज 630 के करीब लोग जो है वो मेरी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, सारे वॉलंटियर हैं और अच्छे अच्छे जॉब्स पे लगे हुए हैं। इसके भी जैसे आपने बोला, अच्छे बुरे लोग देखो वो तो होते ही हैं, मिलते हैं अपने को भी, लेकिन मेरा एक है कि मैं उसको चुप करके पीछे छोड़ देता हूँ। फिर मेरे को सब मालूम होता है कि वो लड़का ठीक है नहीं ठीक है, क्या किया उसने, लेकिन मैं ज्यादा बगैर उसको रिलाइज कराया है आप ही खुद ही पीछे हट जाता हूँ। संस्थाओं की बात करें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया तो कम से कम 270 ऐसी एनजीओ थी जो मेरे पास आई, किसी ने एप्लीकेशन दी, किसी ने कुछ किया कि सपोर्ट चाहिए अपने को, हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, सब ने अपना दिखाया। अच्छा अच्छा, और दुख भी होता है। फर्स्ट मंथ मैंने उनको पैसे भी दिए, फंडिंग शुरू कर दी उनको एवरी मंथ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी असलियत मालूम पड़ती गई तो 1 महीना 2 महीने 3 महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता झड़ते रहे। आज सिर्फ 72 ऐसी संस्थाएं हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं फाइनेंशियल तौर पे, अदरवाइज बहुत से जुड़ी हुई हैं, लेकिन 72 ऐसी हैं जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ। किसी को 50,000 रुपये महीना दे रहा हूँ, किसी को 1 लाख रुपये महीना दे रहा हूँ, किसी को 2 लाख रुपये महीना जा रहा है, लेकिन मेरे मन को पता है कि ये आदमी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। सो जैसे बुरे इंसान ऐसे आते हैं, बुरी नीयत वाले, तो वो खुद ही झड़ जाते हैं। तो अपने को कुछ नहीं करना पड़ता, ऊपर बैठा भगवान वो देखता है कि किसको साथ जोड़ना है, किसी को शंटआउट करना है, वो खुद ही कर देता है। लेकिन हमें बस हमारा गोल, हमारा फोकस रखना है कि हमें क्या करना है। वही शायद आप भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बाकी वो परमात्मा है, देखने को बराबर कर देता सारा। जी बिल्कुल सर, ये बात किसी से नहीं छिपी हुई है कि आपने एजुकेशन के लिए बच्चों की बहुत हेल्प की है। आप श्रीनगर की बात करें, जो फ्लड आया था उसके बाद आपने कई सारे कंप्यूटर सेंटर खोले थे, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर चलाए थे, और साथ ही साथ आप जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं कर पाते कुछ कार्य, उनके लिए आप लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इन सभी के साथ साथ आपके कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट भी हैं, चाहूंगी आप इन सभी पे एक एक करके प्रकाश डालें। देखो, एक तो पंजाब में जैसे मैं पीछे बता के हटा हूँ ऐसे आपको जी, कि स्पेशली पंजाब को नहीं चाहिए जी कि हमारे किसी भी गांव में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई ओल्ड एज होम आए, सीनियर सिटीजन होम आए, नहीं आना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरत पंजाब में पड़ रही है। आज सिर्फ पैसे की खातर, जमीन की खातर, जो बेटा है वो पियो का, अपने फादर का कत्ल कर रहा है, माँ का कत्ल कर रहा है सिर्फ जमीन की खातर। तो ये सब नुक्ते पैदा हो गई है, और आज ये जरूरत हुई है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ओल्ड एज होम चाहिए। अभी हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो अभी पटियाला में और आनंदपुर साहब में 2 हमारे ओल्ड एज होम अभी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं, और अगले, क्योंकि वहाँ जरूरत है। इसलिए सरबत के वाला चैरिटेबल ट्रस्ट से हमने फैसला, हमारे ट्रस्ट ने फैसला किया कि आने वाले 4 साल के अंदर अंदर 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में एक एक ओल्ड एज होम होगा हमारा। ये तो एक प्रोजेक्ट है। दूसरा जो मैं, जैसे मैंने बताया आपको कि
स्किल्ड की जो ट्रेनिंग देनी, हम टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलने हैं हमने, वो भी हमारा प्रोजेक्ट है, वो भी 22 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, 22 इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, एक एक है, वो भी अगले 4 साल में 5 साल में हमने कवर करने हैं। इसके अलावा जो 2 प्रोजेक्ट हमारे, जैसे कि हमारी संस्था जो है, हम स्पेशली काम करते हैं इनके लिए, एजुकेशन के मामले में ठीक है, मैंने कोई, हमारी संस्था ने कम से कम 5,000 जो स्लम एरिया के बच्चे हैं हमने अडॉप्ट कर रखे हैं पूरे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी। दिल्ली में हमारा GK2 में है यहाँ, तो वहाँ से हमने 350 बच्चे वहाँ हमने अडॉप्ट कर रखे हैं। ये जो बच्चे हैं या जो ये लोग हैं, इनके बारे में आपको पता कैसे चलता है कि किस तरीके से ये लोग पीड़ित हैं इस समस्या से, वो लोग पीड़ित हैं उस समस्या से, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए? तो क्या आपके जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं वो लगातार ये छानबीन करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, कोशिश करते हैं जो लोग परेशानी में हैं उनकी सहायता करने के लिए? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया ना कि पटियाला से मैं पूरा पंजाब कवर ही कर सकता था, इसलिए मैंने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफिस खोल दिए। हमारे 15 मेंबर हैं, उसके बाद हमारी कमेटी बनी हुई है। जैसे मैंने विडो पेंशन स्कीम की बात की थी कि इस साल में हमने 2,750 के करीब हमने विडो पेंशन लगाई है, और इस हर विडो को पूरा देखा जाता है। पहले तो सरपंच पिंड का, गांव का बोलता है कि ये विडो हमारी ऐसी है, फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें डेथ सर्टिफिकेट हो गया, राशन कार्ड हो गया, पैन कार्ड, सारा कुछ पूरा कॉपीज लगती हैं। उसके बाद फिर वो वेरीफाई करके एफिडेविट देते हैं, फिर हमारी कमेटी जाती है वहाँ, वो जाके फिर वेरीफाई करती है डबल, क्योंकि ये हमारा जो पैसा है ये इतना ईजी नहीं है, बड़ा हमारा हक की कमाई है ये। बिल्कुल ठीक है, और दान वही है जो सही जगह पे लगे, सही जगह पे जाए, उसी को दान बोलते हैं। तो ऐसे हमारी कमेटियां करती हैं, ऐसे जैसे बच्चे हैं, बच्चों को पूरा हमारी कमेटी जाके सारा देखती है कि किस बच्चे को एजुकेशन देनी है, किस लेडी को पेंशन लगानी है, किसका घर बिल्कुल नहीं है, मकान नहीं, उसको मकान बना कर देना, वो भी मकान बना कर देते हैं। सो जितने भी काम ऐसे चल रहे हैं सारे, वो सारे हमारी कमेटी जाके वेरीफाई करती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई गलत नहीं है। प्रोजेक्ट के बारे जैसे मैंने बताया, दो अभी कैंसर की बात कर लें, कैंसर पेशेंट बहुत सारे हॉस्पिटल हो गए हैं, तो मेडिसिन भी चल रही है, वर्ल्ड बैंक भी सहायता कर रहा है। तो एक जो प्रोजेक्ट मेरे मन में है कि वो पेशेंट जिनको हॉस्पिटल से डॉक्टर जवाब दे देते हैं और घर वालों को बोलते हैं कि अभी इनको आप ले जाओ, इनकी सेवा कर लो, जितने दिन हैं, 10 दिन है, 15 या 20 दिन या 1 महीना है, तो इनकी आप सेवा कर लो। तो उन पेशेंट को जब मैंने प्रैक्टिकली देखा गया, किसी के घर में गया था, तो बहुत बुरी हालत में पाए गए वो। तो वहाँ वो सिर्फ ये अरदास करता था कि हे भगवान अभी अपने को उठा ले यहाँ से, बस अभी और नहीं सहा जाता। तो एक हम ऐसा सेंटर खोल रहे हैं, कैंसर केयर होम, ये डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में नूरपुर बेदी है, वहाँ हमने लैंड 100 एकड़ लैंड हमने परचेज किया वहाँ, और वहाँ स्टार्टिंग में हम पहले 100 हट्स बना रहे हैं। तो एक हट जो है इंडिपेंडेंट हम एक ऐसे पेशेंट को देंगे, तो उसको वहाँ पूरा उसके टेक केयर किया जाएगी, उसको अच्छा कपड़ा दिया जाएगा, अच्छा एंटरटेनमेंट दिया जाएगा, अच्छा खाना दिया जाएगा, वो ऐसा माहौल दिया जाएगा कि जिसमें वो सब पिछले जो उतने दुख है उसके वो भूल जाए, इवन अपनी बीमारी को भूल जाए। तो जो जिंदगी का आखिरी सफ़र है उसका, वो हंसी खुशी जाए और असीसा देता जाएगा वो। और मेरा एक मानना है कि अगर हम एक भी जिंदगी ऐसी बचा पाए जहाँ जिस इंसान ने सिर्फ 15 दिन जीना है, और हमारे ऐसा हम उनको वातावरण दे देंगे कि वहाँ वो 6 महीने कर गया, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, और जो सुकून मन को मिलेगा मेरे को वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। तो एक तो हमारा ये प्रोजेक्ट है, दूसरा जो प्रोजेक्ट है हमारी संस्था काम कर रही है, डेफ एंड डम बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हो गए, MR बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, ऑर्फेंस बच्चे हैं, तो इनके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं, इसी में ओल्ड एज होम भी आ जाता है। तो लेकिन टीचर्स की इतनी कमी है, स्कूलों की इतनी कमी है, अभी हम स्कूल बना रहे हैं पंजाब में, हमारे स्कूल चल भी रहे हैं, हॉस्टल भी चल रहे हैं, टीचर भी हम तैयार कर रहे हैं, पटियाला में हमारा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ स्कूल भी चल रहा है, और उसके बाद हम वहाँ 25 बच्चे जो है वो डिप्लोमा 2 साल का, और BEd 1 साल की है, 33 बच्चे BEd के हैं। सो इतने हर साल में आ रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आज की जो हमारी पंजाब की रिक्वायरमेंट है, इन बच्चों की जो गिनती है, डेफ एंड डम, ब्लाइंड बच्चे हो गए, MR हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, इनकी गिनती 8% के ऊपर है। सो 8% बच्चों की इनकी गिनती बढ़ती जा रही है, जो जो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये सामने आ रहे हैं समाज में। तो इनके लिए सोचना अभी से ज़रूरी है। हमारे पास ना तो इतने स्कूल्स हैं, ना इतने टीचर्स हैं, सैकड़ों की गिनती में टीचर हैं और हज़ारों चाहिए अपने को। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है हमने सोचा कि इंडिया में इनकी कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है। सो अभी हम ये प्लान कर रहे हैं कि सरबत की भला की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम की जाए जहां हम हज़ारों की गिनती में टीचर पैदा कर सकें। टीचर पैदा करेंगे और उसके अलावा फिर जो स्कूल्स हैं ये सारे, वो उसी एक यूनिवर्सिटी में हमारे 8-9 प्रोजेक्ट ऐसे आ जाएंगे। तो वो अभी हम करने जा रहे हैं।
जी तो नहीं, इस तरीके से जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं वो कब तक फाइनलाइज हो जाएंगे, कब अगले तक? अगले 5 साल में हमारे सारे हो जाएंगे। जी हाँ स्टार्ट है, हमने लैंड कई जगह परचेज कर ली है, कई जगह परचेज कर रहे हैं। जी जी किस सो उम्मीद है कि पाँच किस साल जगह में, अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, तो जैसे मैं बताया कि पंजाब में तो सारे कर रहे इसके हैं अलावा हम। अगर कोई और जगह या सिर्फ पंजाब नहीं में मेरे ही? लिए तो देखो पंजाब हरियाणा हिमाचल मेरे लिए सब एक है। जैसे मैंने आंखों के बताया ना कि इतने हमने कैंप लगाए हैं, जी जी इस साल में हमने 250 कैंप लगाने हैं जी और 7,000 आंखों के ऑपरेशन करने हैं, उनको लेंस डाल कर देने हैं। तो ये हमारा कला पंजाब में नहीं चल रहा, पंजाब हरियाणा हिमाचल JNK सभी में चल रहा है। सब जगह इसलिए प्लानिंग हमने कर सब रहे जगह हैं। ऑफिस भी खोल दिए गए हैं, जी ये जी सारी फैसिलिटी हम सब जगह दे रहे हैं, सिर्फ पंजाब में नहीं दे रहे। पंजाब में हाँ एक हमने काम किया कि जेलों के लिए हमने बहुत बड़ा काम किया है। आज मैं कह सकता हूँ कि पंजाब की जितनी भी जेलें हैं, चाहे वो सेंट्रल जेल है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जेल है, सब जेल है, हर जेल में जितने भी कैदी हैं जो सजा भुगत रहे हैं, चलो उन्होंने कसूर किया नहीं किया सजा उनको हो गई, लेकिन जो बेसिक उनकी नीड्स है हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हर जेल के अंदर RO प्लांट लगा दिए हैं मैंने, जी जी जिसमें हर कैदी को साफ पानी RO का पानी मिल रहा है, टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, जेलों के अंदर लाइब्रेरीज दे दी गई हैं। आज हर लाइब्रेरी में 250-300 बुक्स हैं, धार्मिक बुक है, हिस्ट्री की बुक है सारी, ताकि जो डे टाइम में जो कैदी है ना सारा दिन वेला रह के जेल के अंदर ये जेल के सारी अंदर चीज़ सब प्रोवाइड किया मैंने कि उसका जो दिमाग है कहीं और ना जाए, बुक्स पढ़े अपनी वो। इसके बाद फिर जो मैंने महसूस किया, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले पंजाब में, उन्होंने सुपरिटेंडेंट जेल ने मेरे को बताया कि हमारे कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं यहाँ, वो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। तो मैंने सबसे पहले कंप्यूटर जो है सेंटर वहाँ खोला जेल के अंदर ही। तो आज 8-9 जेलों के अंदर कंप्यूटर सेंटर खुल चुके हैं, अंदर सिलाई सेंटर खुल चुके हैं जो लेडीज़ जेल हैं। और बाकायदा उनको ये नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर वो सीखेंगे टाइम पास करेंगे, ऐसा नहीं है, बाकायदा हमने कोर्सेज दिए हैं, उनका डिप्लोमा करा रहे हैं उनको। 6 महीने का डिप्लोमा करने के बाद बच्चा पास होता है तो उनको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ सर्टिफिकेट दिला रहे हैं कि ता जो जिस बच्चे को 1 साल 1.5 साल की सज़ा हुई हुई है, उसके बाद डिप्लोमा आ गया कंप्यूटर का, जैसे वो सज़ा पूरी करके बाहर आएगा तो आगे वो जॉब कर सकता है। सो ऐसी फैसिलिटीज हमने शुरू की हैं। एक सबसे जो इंटरेस्टिंग है, जिसकी तरफ किसी का ख्याल नहीं गया था आज तक, ये बात है 2 साल पहले 22 जून की है, ट्रिब्यून में एक न्यूज़ आई थी, तो उसमें लिखा था कि पंजाब की जेलों में 128 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मदर के साथ सजा भुगत रहे हैं अंदर। तो माँ ने किसी ने मर्डर कर दिया तो माँ को सजा हुई 10 साल की, लेकिन कानून के मुताबिक जब बच्चा उसका छोटा है ना, चाहे वो 6 महीने का चाहे 1 साल का, तो 6 साल की उम्र तक वो मदर के साथ उसको रहना पड़ेगा अंदर। जी तो ये पढ़ने के बाद फिर मैं पटियाला जेल में गया, वहाँ सुपरिटेंडेंट साहब, DC साहब, सेशन जज, मीटिंग हुई, हमने विजिट किया और वाकई क्या देखा कि उसमें एक 10 फीट बाय 10 फुट का कमरा था, जुलाई महीना था और एक पंखा चल रहा था और एक वार्डन बाहर बैठी थी और 13 बच्चे उसके अंदर थे, मतलब गर्मियों में भी। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा जी ये बच्चों का कसूर क्या है? तो कहते जी इनके पेरेंट्स से, इनकी मदर ने जो है वो मर्डर किया, उसको सजा हुई है। तो मैं कहा सजा तो कसूर तो मदर का है, कर उसने किया, बच्चे का क्या कसूर है? मैं कहा आप तो इसको अभी से क्रिमिनल बना रहे हो। तो जवाब नहीं था किसी के पास भी। फिर मैंने बताया, मैं कहा देखो जो वो बच्चा अभी 6 महीने का बच्चा है, 6 साल तक उसने यहाँ रहना है, 5.5 साल और पड़े हैं उसके, वो सुबह शाम उन्हीं के बीच में रह रहा है, उन्हीं के साथ खाना खा रहा है, उन्हीं के साथ सो रहा है। सो सुबह शाम तो बच्चे के दिमाग में तो क्राइम बढ़ गया ना, बिल्कुल माहौल तो असर करता ही है ना। तो कहते हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने उनको आइडिया दिया, मैं कहा मेरे दिमाग में एक आइडिया है, आप मेरे को एक जगह दो थोड़ी। तो उन्होंने मेरे को 5,000 स्क्वेयर फीट का प्लॉट दिया, लेडीज जेल के साथ ही पटियाला में। वहाँ मैंने कोई 7-8 महीने में एक अलीशान मैंने कोठी बना दी, जिसमें एंटर करते ही बड़ा रूम है, वहाँ उनका एजुकेशन का पूरा कर दिया, ब्लैक बोर्ड लगे, बेंच आ गए, चेयर्स आ गए, कंप्यूटर रख दिया, सारा हो गया। दूसरे रूम में मैंने बड़ा रूम था, वहाँ इंडोर मैंने उनका प्ले बना दिया, प्ले रूम, वहाँ घोड़े छोड़े ये साइकिल स्कूटर मोटर सब रख दिए अंदर। एक किचन दे दिया उनको, एक बेडरूम दिया और एक आ गया टॉयलेट आ गया। बिल्कुल बाल दिवस था 2 साल पहले, तो जी बाल दिवस में मैंने पूरा तैयार करके उन बच्चों को, 13 के 13 बच्चों को नहा धोवा के अच्छे कपड़े पहनाए उनको, किसका और आप अपने लेवल पे कर रहे थे? शरबत का वाला ट्रस्ट की तरफ से सारा सारा इसी तरह से मैंने किया सारा। और उसी अफसरों को मैंने वहाँ बुलाया, केक लाए, CD प्लेयर लगा हुआ था, और वो बच्चे जो पहचान नहीं पा रहे थे कि ये मॉडल स्कूल के बच्चे हैं कि ये जेल के बच्चे हैं, ये इन कैदियों के बच्चे हैं, और उनकी माएँ सब साथ थी, तो वहाँ जैसे CD चली और सब लोग भंगा पा रहे थे और जितने ऑफिसर थे सबकी आंखों में पानी था। तब मेरे को उन्होंने सुपरिटेंडेंट जेल ने बोला, कहते हैं राय साहब ये रो रहा था, आंखों में पानी था, कहता मेरे को ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई अभी तक, खर्चा कुछ नहीं हुआ मेरा,
टोटल उसमें मेरा 20 लाख का खर्चा हुआ, बिल्डिंग बनाने में, सब कुछ करने में। और आज देखो, वहाँ मैंने टीचर प्रोवाइड किया, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, डॉक्टर जाता है वहाँ, और उन बच्चों को वो फूड दिया तीनों टाइम का कि जो चाहिए उनको बच्चों को इस एज में। आज वो बच्चे ऐश कर रहे हैं। फिर ये मैंने करने के बाद 6 का प्रोजेक्ट बनाया कि पंजाब को कवर करना तो 6 चाहिए अपने को। फिर पहले पटियाला में बन गया, फिर लुधियाना हो गया, संगरूर हो गया, अभी फरीदकोट है, फिर अमृतसर है, पठानकोट 2, और 6 बनने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे तो ये सारा अपना पंजाब पूरा कवर हो गया। सर सब इस कुछ वही है, बस सोच का फर्क है। लेकिन ये सोच भी भगवान देता है, इंसान नहीं सोच सकता। मेरे भी ऐसे आइडिया अपने आप ऐसे आ जाते हैं कि वो सब बोलते हैं क्यों नहीं होया अभी तक, अभी खर्चा कितना, अभी खर्चा पता कितना उसका देखो। अभी हम उसको तीनों टाइम का खाना दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं सारा उनको, टीचर्स की दे रहे हैं। तो 3 लाख रुपया साल का खर्चा सारा, लेकिन उन बच्चों की लाइफ मिल गई। और यहाँ खत्म नहीं किया हमने, उसके बाद क्योंकि अभी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं अंदर, 6 साल तक बच्चा पढ़ेगा अंदर, उसके बाद माँ के साथ तो रह नहीं सकता वो, बाहर उसको देखेगा कोई नहीं। इसी सरबत के वाला ट्रस्ट से जो हमारे इतने इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, स्कूल्स आ रहे हैं ना, तो उन बच्चों को हमने अडॉप्ट भी कर लिया साथ ही, कि जैसे बच्चा जेल से बाहर आएगा सीधा हमारे हॉस्टल में आएगा, वो उसको जितनी भी एजुकेशन चाहिए उसको फुल एजुकेशन देंगे, उसका रहने का खाने पर पूरा इंतजाम हम करेंगे। सर आपने कहा कि 20 लाख रुपए बस उसे बनाने में लगा, 3 लाख टीचर्स के साल भर की जो होती है उनको देने के लिए आती है। सर ये कहना बहुत आसान है, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, जो ट्रस्ट की फंडिंग की हम बात करते हैं कहाँ से आते हैं? क्या सरकार आपकी हेल्प करता है डोनेशन की बात करें, कोई और संस्था आपको डोनेशन देती है आपकी संस्था को, किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं, प्रोसेस में आती हैं? देखो जैसे आपने बात की ना दान पुण्य देने की, कोई पैसा खर्चने का इजी नहीं है, मैं समझता हूँ आपको, लेकिन पहले जैसे बता चुका हूँ कि एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आदमी समझ आता है कि नहीं अभी बहुत कमा लिया, बहुत कुछ हो गया, अभी भगवान ने इतना दे दिया, अभी वापस करें। और वैसे भी मैं पूछता हूँ किसी भी बिजनेसमैन को, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कोई भी अच्छा बिजनेसमैन है शाम को सिर्फ कुछ ना करे, 2 मिनट आंखें बंद करके सोचे कि जो मेरे पास है इसकी मेरे को जरूरत है। 100% लोग बोलेंगे नहीं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 5-6% के ऊपर नहीं है, जब मैक्सिमम 10% ले लें इसके ऊपर नहीं है। बाकी जितना पैसा हमारा है हमने ऐसे ना उसको बोलते हैं कि समेट का रखा हुआ है, लेकिन छोड़ने को दिल नहीं है। तो ये भी भगवान की कृपा होती है, जब होगी तभी दे सकता हूँ। और एक बार दानपुट देकर देखो, किसी पे खर्च करके देखो, आपका दिल मानेगा कि नहीं मैं खर्चा करूँ। सिर्फ एक बार, पहली बार मुश्किल है कि फर्स्ट टाइम जो है ना पैसा जेब से निकालना मुश्किल है। एक बार निकाल लो, आपको किसी का आपने को भला कर दिया ना 10 रुपये से या 100 रुपये से, आपके मन को इतनी शांति मिलेगी, फिर आप कहोगे नहीं यार ये करना चाहिए, फिर आप दुसंद जो है ना वो निकालना शुरू कर दोगे। बाकी ये ट्रस्ट की बात है कि अभी तक हमने कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई कंट्री है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या किसी पर्सनल बंदे से भी, हमने आज तक 1 भी रुपये की डोनेशन नहीं ली। हमारी कोई रसीद बुक नहीं छपी हुई, सो हम कोई पैसा नहीं देते, कोई डोनेशन नहीं है। अपनी मर्जी से वो लोग देते हैं ना? बिल्कुल, हम लेते ही नहीं किसी से ना। टोटल हमारे सरबत के वाले का ये असूल है कि हम पैसा लेते ही नहीं, डोनेशन लेते ही नहीं है। सो टोटल जो हमारी अपनी कमाई का पैसा है और हम वो खर्च रहे हैं। सर कमाई कैसे, क्योंकि ये पर्सनल क्वेश्चन है, शायद मुझे टेलीविजन पे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं जरूर पूछना चाहूंगी। आप सिर्फ कर रहे हैं लोगों के लिए, किसी से ले नहीं रहे हैं, फिर इतने पैसे? मैं बता रहा हूँ ना कि मैं पिछोकड़ नहीं बोला अपना, मेरे को आज भी जो मैंने औकात समझता हूँ ना, जो मेरा अपना है ना वो 390 रुपये है। इतना कुछ मेरे को दे दिया गया, आज मैं जब देखता हूँ तो मेरी अपनी जो रिक्वायरमेंट है, पूरी फैमिली को, मदर को देखकर, अपनी फैमिली को देखकर, अपने बच्चों को देखकर, वाइफ को देखकर, तो मेरी कमाई जितनी है उसका 10% मोर देन इनफ। सो 90% जो मेरा वो सरप्लस है, अगर उसको मैं आज पकड़े रखूँगा ना तो फिर मेरा जो ना मेरी जमीर मेरे को लानते देगी, वो माफ़ नहीं करेगी कि मैंने ऐसे। कल को चले जाना है, हर इंसान ने चले जाना है, तो बाद में क्या होगा, लड़ाई झगड़े ये वो सब यही होगा ना, पैसे के लिए लड़ेंगे सारे। तो क्यों ना ऐसा हो कि जितना आपको चाहिए रखो, बाकी जितना अपने एक्स्ट्रा है वो अपने हाथ से बांट दो, और जो वो बांट कर खुशी होती है। और सेकंडली बात मैं एक आपको ये बताना चाहूँगा कि वो जो एक मुहावरा है ना हमारे पंजाबी में कि वो जब वो देता है वो छप्पड़ पाड़ के देता है, और उसको ज़्यादा फिक्र है। और मेरा ये अजमाई हुई बात है मेरी कि जिस दिन मैं अगर 1 करोड़ खर्चता हूँ ना तो 10 वापस देता, वो थोड़ नहीं होने देता कभी।
बात, बहुत ही बड़ी सीख आपने हमारे दर्शकों को दी है इस वक्त कि अगर आप अपने जेब से एक रुपया निकालेंगे तो ऊपर वाला आपको 10 गुना देगा उसका। तो सचमुच बहुत ही उत्तम बात यहाँ पर आपने कही है। सर यहाँ पर एक प्रश्न और भी है, न्यूज़पेपर में पढ़ा था कुछ दिनों पहले, पंजाब की ही बात करते हैं, जब फॉग हो रहा था उससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे थे, तो उसके बारे में जानना चाहूंगी, उसके लिए भी आप लोगों ने शायद कुछ, आपके ट्रस्ट ने कुछ किया? बिल्कुल था। बिल्कुल, लास्ट ईयर जो था ना ये हमने एक मुहिम शुरू की थी पुलिस से मिलकर दोनों ने, तो हमने लास्ट ईयर 13,000 रिफ्लेक्टर, तो एक यहाँ 5 इंच बाई 5 इंच का रिफ्लेक्टर है जो गाड़ियों के पीछे लगाते हैं और 100 मीटर से मालूम पड़ता है कि गाड़ी जा रही है आगे। पंजाब में जो मैक्सिमम जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रॉलियाँ, ट्रक्स हो गए, थ्री व्हीलर हो गए, इनके पीछे लाइटें नहीं है, तो जैसे फोक पड़ी हुई है गाड़ी सीधी अंदर लग जाती है जाके, क्योंकि मालूम नहीं पड़ता आगे गाड़ी जा रही है। तो ये हमने लास्ट ईयर शुरू किया था, तो लास्ट ईयर हमने पंजाब के पूरे डिस्ट्रिक्ट कवर किए थे, तो इस साल अभी फिर जैसे फोक बड़ी पड़ रही है तो इस साल हमने फिर शुरू किया कि आज हमारे कल हमारा एक वीक शुरू हो रहा है 8 से लेकर 15 तक, ये हमारा ट्रैफिक अवेयरनेस वीक है, तो इसमें हमारी जितनी संस्था है हमारी सरबत के भले के साथ पुलिस की हेल्प के साथ हम हर डिस्ट्रिक्ट में, कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, कल मैं भी यहाँ से निकलूंगा, सबसे पहला मेरा प्रोग्राम पानीपत में है, उसके बाद फिर करनाल है, फिर कुरुक्षेत्र में है, फिर पटियाला में है, सो ऐसे दिल्ली में जैसे है, दिल्ली में भी अभी हमारे शुरू हो गए, आज हमारे वो रिफ्लेक्टर दिल्ली में भी आ गए हैं, सो दिल्ली में भी ये लगने शुरू हो जाएंगे, तो इस साल हमारा 20 लाख जो रिफ्लेक्टर है ये हमने गाड़ियों पे लगाने हैं, और मेरे को श्योर है कि ये रिफ्लेक्टर लगाने से हम बहुत सारे एक्सीडेंट बचा सकेंगे, अवॉइड कर सकेंगे। सर गवर्नमेंट तो इतना इन्वॉल्व नहीं हो रही है जिस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, क्या आपके काम में गवर्नमेंट कुछ दखल अंदाजी करती है? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई दखल अंदाजी नहीं है, और सेकंडली मैं ना हमेशा बोलता हूँ संस्थाओं को बोलता हूँ कि आप गवर्नमेंट की तरफ क्यों देखते हैं, हम क्यों सोचते हैं कि गवर्नमेंट आए और हमारी हेल्प करे जब हम खुद कर सकते हैं, और मेरे को खुशी है मेरे साथ संस्थाएं जुड़ रही हैं, जैसे उनको मालूम पड़ता है कि यार आप करो अपना घर आप साफ करोगे तो गवर्नमेंट भी करेगा। जी तो अगर हम सोचते हैं नहीं गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट करेगी, हेल्प देगी, हमारे बच्चों को पढ़ाएगी, हमारा मकान बना देगी, तो कुछ नहीं, फिर फायदा नहीं है, कोई उम्मीद ना रखे, गवर्नमेंट अपने काम करते जा रही है, उसको अपना काम करते रहने दो, लेकिन आप अपना फर्ज निभाते जाओ। जी बिल्कुल, आपने जो यहाँ कहा अपना फर्ज निभाने की बात करते हैं, एक आम इंसान शायद अगर आपकी बात सुन रहा होगा तो उसके मन में भी होगा कि हम भी कुछ समाज के लिए करें, और गवर्नमेंट लगातार सिर्फ बातें करती है कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, यहाँ पर दो चीजें आती हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से समाज के डेवलपमेंट के लिए कार्य करे, और एक आम व्यक्ति यानी अपने सहयोगी दूसरे लोगों के लिए किस तरीके से कुछ एक छोटी सी अपना योगदान दे सके ताकि वो भी एक अच्छे मार्गदर्शन की ओर अग्रसर हो सके। एक और मैं बताता हूँ यहाँ कि मैं जैसे अमेरिका भी गया हूँ, कनाडा भी गया हूँ, वहाँ भी लोग करना चाहते हैं, लोग जहाँ भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको सिर्फ सेहत चाहिए। जी, कि हमारा जो पैसा हम लगाना है सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा, और जिस इंसान को मालूम पड़े कि मेरा पैसा बिल्कुल सही जगह, आज को मेरे को इतने फोन आते हैं, लोग करोड़ों रुपये देने को तैयार है मेरे को कि नहीं मिस्टर ओब्राय को दे दो पैसा, ओब्राय को दे दो पैसा, फिर अभी मैंने शुरू किया ये भी, जैसे मैंने संस्थाएं बना दी ना, सारे ऑफिस खोल दिए, सारे एक रास्ता ढूंढा, क्योंकि अगर जैसे शर्मा जी बैठे हैं जो देना चाहते हैं पैसा कि हाँ भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैम तो लेते नहीं है, लेकिन अभी मैंने लगाना शुरू कर दिया, जैसे किसी को ज़रूरत है आज मकान बनाने की, आज एजुकेशन में हम कर रहे हैं, तो अभी मैंने क्या किया, हमने लिस्टें बना लिया पूरी, जैसे इस साल में हमने 2000 बच्चों को हमने अडॉप्ट करना है, फीसें देनी है उसकी, तो आप अमेरिका बैठे हो, कनाडा बैठे हो, जहाँ बैठे हो, उन बच्चे को डायरेक्ट फीस दे दो, आप फीस तो सीधी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जानी है ना, तो इस हिसाब से अभी मैंने शुरू किया है कि नहीं आप डोनेशन दो, मैंने नहीं लेनी, लेकिन आप, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कि आप 10 बच्चे अडॉप्ट कर लो, आप 15 जो विडोज है वो अडॉप्ट कर लो, उनकी पेंशन बनती है 15,000 महीने की, आप वहीं से डायरेक्ट उनके अकाउंट में डालते जाओ, सो एक किस्म का ऐसा लोग करना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है, आप करते जो हमने अभी शुरू किया, जो हमने शुरू किया, और मेरे को उम्मीद है कि बहुत लोग जुड़ेंगे, और अभी आज इतना कि हर इंसान कुछ करना चाहता है, वही बात जैसे बोले ना कि एक बार करके देखो फिर अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा बिल्कुल। आज वुमेन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, उसके लिए लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन शायद कुछ निकल के नहीं आ पा रहा है ताकि उनकी सुरक्षा कर सके, अगर आपकी संस्था की बात करें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? ये भी हमें अभी हमारे ट्रस्ट के जितने दिल्ली इकाई है हमारी, जो हमारे पंजाब के हमारे सारे ट्रस्ट के जितने मेंबर हैं, हम इसके अभी देख रहे हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी संस्था जो अभी सिर्फ 2 साल हुए बने को, कोई हमारी इतनी 10-15 साल पुरानी संस्था नहीं है, लेकिन 2 साल में हमने काफ़ी कुछ कर लिया है,
तो जो हमारे नेक्स्ट आगे प्लान है सारे इस साल के, वो अभी ट्रस्ट बना रहा है सारे, जी तो जी इसके बारे इसकी बहुत ज़रूरत है। स्पेशली जो लेडीज़ जो बाहर से आती हैं, फॉरनर्स आती हैं, उनको इतना चकमा दिया जाता है, चाहे वो उनको शॉप्स में ले गए, मॉल्स में ले जाकर करते हैं, वो चीटिंग हो रही सारी उनके साथ, चाहे वो थ्री व्हीलर्स हो गया, टैक्सीज हो गई, उनको ले गए, कितने बलात्कार के केस देख रहे हैं, ये सब हो रहा है ना ये, और फॉरनर से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे कोई ना कोई स्टेप हम इनको उठाना चाहिए। और मेरे को लगता है कि सरबत का हमारा ट्रस्ट के हम एक ऐसी टीम, एक ऐसी फौज तैयार कर देंगे, उनकी एक डिफरेंट पहचान होगी उनकी, जी और ये मुहिम शुरू करने, जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। जी हम भी चाहते हैं कि आपके द्वारा जो ये जिस तरीके से बाकी लोग की मदद हो रही है, वो भी वुमेन के लिए जो क्राइम हो रहा है उसमें भी बहुत जल्दी सुधार आए। तो वो आप जिस तरीके से बाकी चीज़ों में आप निकल के आए हैं, लोगों की हेल्प की है, और हमें उसका प्रूफ मिल रहा है लोगों की बातें जानकर, ये भी बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगा। सर, 2015 आ चुका है, मैं चाहूंगी कि आप आम व्यक्तियों के लिए कुछ ऐसी बातें कहें, ऐसा संदेश दें, ऐसी ज्ञान दें कि वो इस 2015 में अपने आप को इस तरीके से बना सके कि हाँ, शायद उनसे कोई ऐसा काम हो सके जो समाज याद करे और कहे हाँ, वो व्यक्ति था जिसने मेरी मदद की। तो किस तरीके से हमारे अंदर वो भावना आ सकती है, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं दर्शकों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप हर इंसान के मन की भावना होती है कि मैं अच्छाई करूं, अच्छा काम करूं। जैसे हमारे गुरु साहिबान ने भी कहा है कि दसवंध निकालना चाहिए, लेकिन कोई निकालता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि अपनी कमाई से आप 10% छोड़ दो, आप 1% निकालो और इन कामों पर लगाओ, चाहे वो किसी की एजुकेशन के ऊपर लगा दो, किसी किसी को यूनिफॉर्म देनी है, चाहे किसी को खाना देना है, चाहे किसी को मेडिसिन देनी है, किसी का ट्रीटमेंट कराना है, चाहे स्लम एरिया कितने बच्चे हैं उनके ऊपर लगाओ। तो 1% भी निकालो तो उससे आप बहुत बड़ा कर सकते हो। और मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आपका जो 1% है बहुत काम आएगा, और आपको मन को बहुत ही शांति मिलेगी, संतुष्ट मिलेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कड़ी में हमने एक ऐसे व्यक्तित्व की खोज की है जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसके पास सब कुछ है और वो सब कुछ अपना सबसे बांट रहे हैं, और बांटते हुए यही कह रहे हैं कि आप सभी का भला हो। शायद इसीलिए सरबत का भला नाम से ट्रस्ट चला रहे हैं और आप सभी का भला कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आर्थिक तंगी से अपनी पढ़ाई ना करने वाले बच्चे हों, या फिर वृद्ध जिनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है, या वो महिलाएं जो अपना सब कुछ गंवा चुकी हैं, या वो विधवाएं जो पैसे ना मिलने की वजह से दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, तो विडो पेंशन देकर उनकी सहायता कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्य ओबरॉय जी हमारे जो इस वक्त डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया की कड़ी में हमारे साथ आए थे वो कर रहे हैं, और आपको लगातार यही संदेश दे रहे हैं कि आपको भी ऐसे कार्य करना चाहिए, तब देखिए आपको कितनी शांति मिलती है। ऐसे ही कड़ी हम आपके सभी के समक्ष हर वक्त लाएंगे, हर बार लाएंगे, और प्रयास करेंगे कि आप भी ऐसी शख्सियतों से मिलें, ऐसे व्यक्तित्व से मिलें, और जाने कि हाँ, हमारी जो पावन धरती है जिसे हम भारत माता कहते हैं, वहां पर लोग रहते हैं और वो आप सभी के लिए इस प्रकार से कार्य करते हैं। तभी कहते हैं धन्य है हमारी धरती जहां पर ओबरॉय सिंह जैसे लोग रहते हैं और हमारी सहायता करते हैं और इंसानियत का एक ऐसा मिसाल देते हैं कि हम खुद कहते हैं भगवान है हमारे लिए, फरिश्ते हैं हमारे लिए। इनके बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो कम है। आज के लिए इतना ही सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आप यहाँ पर आए, आपके माध्यम से हम सब ने जाना, हमारी टीम ने जाना, हमारे दर्शकों ने जाना कि एक व्यक्ति के अंदर जब सच्ची भावना होती है और वो सच्ची भावना से औरों के लिए कार्य करता है तो उससे कितना अच्छा होता है, और भगवान स्वयं उसे आशीर्वाद देता है और उसकी बरकत दिन रात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।